गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी आज हमारा ये लाइव सेशन कह सकते हैं या वेबिनार देख रहे हैं. सो वी आर बैक विद वन मोर यूनिवर्सिटी फ्रॉम रशिया, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड है. रीजन बीइंग, दिस इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया दैट इज प्रोवाइडिंग MBBS degrees to students from India. Tweed Medical University का एक बहुत ही अच्छा मतलब what you say golden एक history रही है, एक past रहा है. Tweed Medical University has produced finest doctors who are currently working in India and in various other countries of the world, may it be USA, UK, Australia में भी काफी लोग काम कर रहे हैं. So आज हम जानेंगे कुछ एक चीजें ट्वेस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में. आई होप इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे विद इन द ट्रेनिंग सेशन के अंदर, विद इन द दिस थिंग लाइव सेशन, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट बॉक्स और इन द चैट बॉक्स हियर हु हैव जॉइंड अस ऑन द वेबिनार. मीनवाइल अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं हु आर लाइक नीट एस्पिरेंट्स और given the exam this year, NEET उन्होंने दिया है और वो अभी अपने options देख रहे हैं MBBS के लिए, अब please हमारा ये video, हमारा ये live session share कीजिए सभी के साथ and tell them to join so that they can also get information. उनको help मिल सकती है अपना future आगे career जो है इसको choose करने के लिए या अपने career को बनाने के लिए. So let's all start with Tweed State Medical University. So, हमेशा यूनिवर्सिटी जब आप सेलेक्ट करते हैं, यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर लोकेशन एंड दिस इज लाइक द बेस्ट लोकेटेड यूनिवर्सिटी आई वुड से इन रशिया. रीजन बीइंग, मॉस्को से सबसे क्लोजेस्ट सिटी है त्वेर. यहाँ ये यूनिवर्सिटी है, दिस इज क्लोजेस्ट टू मॉस्को विच इज द कैपिटल ऑफ रशिया, राइट? आप लोग सब जानते होंगे. सो लेट अस इन ब्रीफ let us know more about Tver city. So Tver is a 800 years old city. Aap sabhi ko pata hoga ki India mein who was the first person from abroad to visit India. Hamare ko books mein sikhaya jata hai Vasco da Gama, but actually Afanasy Niketan, a merchant from Tver, was the first outsider to arrive in India. So Tver is a very beautiful city with n number of lakes and rivers. Lake Seligar is the largest lake in Tver. The great river of like Volga, जो हम जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं ना गंगा, तो वो ये रशिया की गंगा रिवर जिसको बोलते हैं Volga River, it begins in Tver region and there are many museums and places of interest in the city. So let us have a glimpse of the city. We have the city garden, the old bridge is visible, we have an aerial view of one of the churches. This is the city center. This is a what you say a memorial in the memory of all the valiant soldiers who died in the Second World War. And this is one of the famous museums which is just opposite to our university. So Tver, as I told you, is very well placed, very well located. It is in between Moscow and St. Petersburg, the two capitals of Russia. So Moscow, say it is somewhere around 180 kilometers and 600 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग. तो इन दोनों शहरों के जो मेन जो शहर है रशिया के, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है त्वेर सिटी. क्लाइमेट, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सभी रशिया का नाम सुनते सब लोग क्या कहते हैं कि ठंड, राइट? बट रशिया में ठंड का जो है वही विंटर सीजन रहता है, बाकी टाइम्स वहां पे प्लेजेंट रहता है और गर्मियों में गर्मी भी होती है. सो विंटर सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टिल फरवरी, ठीक है, और एवरेज जो टेम्परेचर रहता है इट इज समवेयर अराउंड -5 to -10, अगर मैं एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ विंटर्स का. लेकिन कभी कभार -20, -25 तक भी जाता है, बट फॉर फ्यू डेज. रेस्ट द विंटर्स आर, यस दे आर कोल्ड, बट नॉट वेरी कोल्ड दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. एंड इन समर्स द टेम्परेचर इज वेरी प्लेजेंट, average temperature being 25 to 30 degrees Celsius,
but yes, maximum being 40 degrees Celsius too. But yes, Russia looks magical in winters. Yeah, आपको एक स्नो की मैंने एक पिक्चर दी है. एंड व्हाई आई पुट दिस पिक्चर हियर इन द प्रेजेंटेशन, ये भी एक इंडियन स्टूडेंट है जो इंडिया से गए हैं और रशिया में जाके एंजॉयिंग विंटर्स स्नो में. यस, यू कैन गेट स्पेशल क्लोथ्स, जैकेट्स इस तरह की आपको वहाँ रशिया में मिल जाती है. एंड यू आर इजीली एबल टू कोप अप विद द विंटर्स ऑफ रशिया. इसके अलावा यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल्स में, या शॉप्स में, सुपरमार्केट्स में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज सेंट्रली हीटेड. इंडिया में कैसे रहता है कि गर्मी होता है तो अंदर बिल्डिंग्स वगैरह एयर कंडीशन होता है, राइट? बाहर गर्मी है, अंदर ठंडी है. लेकिन रशिया में इट इज सेंट्रली हीटेड, तो बाहर जो है सर्दी है और अंदर जो है वो 24 डिग्रीज का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, राइट? सो विंटर्स इज नेवर एन इश्यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू रशिया. ट्रांसपोर्टेशन, यस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्राम्स, ट्राम्स जो होती हैं, जो लाइंस बिछी होती हैं, लाइंस के ऊपर चलती हैं, ट्रॉली बसेज आर अवेलेबल. सो सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड. अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शहर में जाना है उसके लिए भी यू हैव अ होल सेट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तब भी वहाँ पे ट्रेन, बसेज, कैब्स, प्राइवेट टैक्सीज अवेलेबल हैं. और सिटी के अंदर भी जैसे इंडिया में अपने ओला उबर है या दूसरी टैक्सी सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी रेडियो टैक्सीज, प्राइवेट कैब्स अवेलेबल रहती हैं फॉर योर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सिटी और विद इन द कंट्री. सो नाउ लेट्स कम टू आवर मेन एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. So I would like to inform you that Tver has been recognized among the world's best educational institutions. It is featured in the Cambridge University Students Union, the Guide to Excellence. It is a very prestigious international publication, जहाँ पे top 150 universities को list में रखा जाता है, उन universities को जहाँ पे अच्छी technology, student friendly programs और पढ़ाई के लिए अच्छे सिस्टम्स और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई की वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है. सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से वन इज त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच हैज बीन लिस्टेड इन द गाइड टू एक्सलेंस पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसकी डायनामिक डेवलपमेंट के लिए, फॉर द हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड अचीवमेंट्स और एक डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी की वजह से इसे इस लिस्ट में जगह मिली है. एंड लेट अस गेट टू एक्सप्लोर कि क्या है वो ऐसी खासियत, क्या है वो ऐसी खूबियां, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स व्हिच मेक त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया. सो इट वॉज फाउंडेड इन 1936. एवरी टाइम व्हेन आई गिव माई प्रेजेंटेशन लोग पूछते हैं कि कब ये यूनिवर्सिटी कितने साल पुरानी है. सो इट वॉज फाउंडेड इन 1936, सो इट इज समवेयर अराउंड 84 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी. आई थिंक अगर मेरा मैथ्स कमजोर नहीं है, सो यस 84 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, WHO रैंकिंग के हिसाब से त्वेर रैंक्स 23rd इन द वर्ल्ड एंड 3rd इन रशिया अमंगस्ट अदर यूनिवर्सिटीज. त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अराउंड 600 स्टूडेंट्स आर इंडियंस, राइट? सो मोर देन 10% इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन मेजोरिटी, काफी ज्यादा नंबर्स में इंडियन स्टूडेंट्स हैं. यूनिवर्सिटी हैज 63 डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी में 63 डिपार्टमेंट्स हैं. इट ऑक्यूपाइज मोर देन 6,000 बेड्स इन 10 वेरियस हॉस्पिटल्स. सो वी हैव मेजर हॉस्पिटल्स, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज हॉस्पिटल्स ऑल्सो. सो अलग अलग ऑनकोलॉजी का अलग है, ट्यूबरक्लोसिस का अलग से हॉस्पिटल है, स्किन डिजीजेस का अलग से है, इन्फेक्शन डिजीज का अलग से हॉस्पिटल्स हैं, सिटी हॉस्पिटल्स हैं, रीजनल हॉस्पिटल्स हैं. सो जहाँ पे आप लोगों की क्लासेस होंगी आफ्टर योर दिस थिंग थियोरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद, जब थर्ड ईयर से आपका क्लिनिकल पार्ट शुरू होता है, सो योर क्लासेज विल बी इन हॉस्पिटल. सो यूनिवर्सिटी हैज मेनी हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, राइट? So university provides training of specialists, मतलब all over Russia से वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, and all over the world की मतलब दुनिया के भी अलग अलग countries से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, चाहे वो African countries हों,
मिडल ईस्ट हो, एशियन सब कॉन्टिनेंट से हो लोग, तो काफी कंट्रीज के लोग वहां पढ़ने आते हैं. ऑलमोस्ट फ्रॉम 42 कंट्रीज पीपल आर स्टडिंग इन त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. क्लिनिकल एक्टिविटीज वेरी वेल डेवलप्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रीनेटल सेंटर, पेरीनेटल सेंटर वहां पे है, हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट्स वगैरह हाई, मतलब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वहां पे अवेलेबल है. आपको एक्सपोजर मिलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने का. क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर इंटीग्रेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ म्युनिसिपल एंड रीजनल हेल्थ केयर. जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ही टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप लोगों की क्लासेस होती हैं आफ्टर थर्ड ईयर, राइट. सो लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती, पेशेंट्स नहीं दिखाए जाते. तो थर्ड ईयर से जब आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स शुरू होंगे, सो यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल्स एंड ऑल योर क्लासेस विल टेक प्लेस इन द हॉस्पिटल्स वेयर सपोज यू आर लर्निंग एनी डिजीज. सो यू विल बी शोन अ पेशेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज एंड ऑल द सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट्स विल बी लाइक शोन ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, कि उनको क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. सो यू गेट ऑल दैट क्लिनिकल नॉलेज. सो दैट इज वाई वी हैव सेड दैट क्लिनिकल एक्टिविटी इज वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है. और जो इन डिपार्टमेंट्स के जो एचओडीज होते हैं वही टीचिंग डिपार्टमेंट के भी एचओडी होते हैं. तो हॉस्पिटल के अंदर जब ट्रेनिंग आप जब आप क्लासेस के लिए जाते हैं, सो योर एचओडी आर नॉट ओनली फॉर योर टीचिंग बट दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इन दैट वेरी हॉस्पिटल एंड दे आर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स हु विल बी टीचिंग यू, हु विल बी शोइंग यू ऑल द पेशेंट्स एंड आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू जस्ट प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड मैं कोशिश करूंगा. सपोज आपके जब भी कोई क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह हैं मैं साथ के साथ आपके वो क्लियर करता रहूँ, ठीक है. साइंटिफिक रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स इज कैरिड आउट इन मेनी डाइवर्स एरियाज ऑफ मेडिकल साइंसेज. हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी बनी हुई है जहाँ पे आप इफ यू हैव इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन गो इन योर एक्स्ट्रा टाइम, यू कैन कैरी आउट रिसर्च वर्क इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड उस रिसर्च वर्क को आप पेटेंट भी करवा सकते हैं. यू कैन पब्लिश योर पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आप पब्लिश करवा सकते हैं. यू कैन टेक पार्ट एंड प्रेजेंट दोज रिसर्च पेपर्स इन वेरियस कॉन्फ्रेंसेज बोथ ऑन यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल लेवल एंड इवन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन इफ योर पेपर गेट्स सिलेक्टेड. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी हैज मोर देन 570 टीचिंग स्टाफ विच इंक्लूड्स 120 प्रोफेसर्स, 180 एसोसिएट प्रोफेसर्स, 150 लेक्चरर्स. 80% ऑफ द टीचिंग स्टाफ हैज इधर पीएचडी डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री. सो रशिया में सिस्टम क्या है कि वहां पे स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो होती है वो 7:1 की होती है. कि स्टूडेंट्स जब यहाँ से जाते हैं सो यू आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स ऑफ 10 to 12 पीपल एंड अ टीचर टेक्स अ क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो 12 लोगों की क्लास एक क्लास के अंदर बैठ रहे हैं. सो टीचर कैन गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. इंडिया में या कहीं भी दूसरी जगह पे भी होता है ऐसे कि एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है तो सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, राइट. सो वहां पे ग्रुप स्टडी होती है. When all the students are divided into small groups of 10 to 12 people और एक teacher उनको पढ़ाता है तो एक individual attention सभी students को मिलती है. आपके questions आ रहे हैं मेरे पास safety को लेके, fees को लेके, join आप कर सकते हैं 12th के बाद या नहीं कर सकते, वो सभी चीजों को हम लोग अभी discuss करेंगे आने वाली slides में. You will see all the things, okay? सो आफ्टर योर ग्रेजुएट डिग्री एमबीबीएस डिग्री के बाद यू हैव ऑप्शंस ऑफ स्टडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो जो ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर अवेलेबल है. एमडीएस भी अवेलेबल है, एमडी या एमएस भी अवेलेबल है वहां पे ऑलमोस्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. सो अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वापस आके मैं एमडी डिग्री ले सकता हूँ कि नहीं. आई थिंक one of the questions one of the students Mohammed Yusuf Hussain Sheikh ne pucha hai, after graduating from Russia and passing the FMG are we eligible for general seats for MD in India. So yes,
After qualifying your foreign medical graduate examination, which is also commonly known as MCA screening test, you are eligible to appear for NEET PG. For your MD degrees के लिए आप entrance exam के लिए आप applicable हो, आप मतलब apply कर सकते हैं. You are equivalent to Indian doctors. So once you clear your foreign medical graduate examination, आप उसके बाद आपके पास permanent registration number आ जाता है and you can work in private clinics, in private hospitals, in government hospitals. You can open your own clinic, you can open your own hospital, you can work in armed forces, you can apply for postgraduate degree also. Okay, so that caters one of your questions. So I hope I was able to clear your doubt. Or Lipsa Sadangi, you are asking about the if the university is government or private. So I think the name says it all. Tver State Medical University. It's a state medical university. It's a government university. We are not giving you any private university. Russia mein, I don't think there are private universities which are providing MBBS. But still, yes, it is a good question. And you can get admission in this university. It is a government university. And regarding your other questions also, I'll come to them at a later phase of my presentation. So yes, Tver State Medical University is listed in World Directory of Medical Schools. That means after completion of your degree from Tver, you can practice in any part of the world. Your degree is, you are eligible to apply for USMLE, for PLAB, for Australian Medical Council exam, for FMG, for any exam all over the world. So aap degree karne ke baad किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां का एग्जाम देने के बाद. जैसे इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए एमसीए का टेस्ट होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, सभी कंट्रीज का अपना एक एग्जाम होता है. यूएस का अपना यूएसएमएलई है, ऑस्ट्रेलिया का अपना है. तो यू आर एलिजिबल टू अपियर फॉर ऑल दोज एग्जाम्स एंड यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. रिसर्च वर्क. यूनिवर्सिटी हैज बीन अवार्डेड विद वेरियस मेडल्स फॉर रिसर्च. उसमें गोल्ड मेडल भी रिसेंटली हमें एक कंबाइंड रिसर्च वर्क के लिए मिला है ऑन अ नेशनल लेवल फॉर अ रिसर्च वर्क कैरिड आउट बाय Tver State मेडिकल यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद Tver State टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच वॉज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज. वी हैव अ वास्ट लाइब्रेरी विद ऑलमोस्ट 4.5 लाख बुक्स हैं वहाँ पे, रशियन एंड इंग्लिश, एंड एवरी ईयर वी आर एडिंग मोर एंड मोर बुक्स into our library. So you have ample opportunities to go to the library to explore newer things, to get the books issued and study and become a good doctor. So modern educational technologies, yes, we have developed educational programs which are easier for the students and you come out to be highly trained doctors. We have published 803 scientific works and 39 textbooks from the university, from the research work that I have been telling you. More than 15,000 Russian students, 800 have graduated as doctors, 8,500 students have graduated as dentists, and more than 8,000 students have graduated, like foreign students have graduated from the university. So it's an old university with a history of glorious past, right? इसके बाद क्या था कि जैसे टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होती है वहां पे, कि वहां पे देखिए आप अगर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, सो इट्स अ मैनिक्विन. आपको मतलब एक सिमुलेशन सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. सो वहां पे आपको क्लिनिक में जाने से पहले, आपको पेशेंट्स के साथ आपको डील करने से पहले, यू आर टॉट ऑल दोज मैनिपुलेशंस प्रोसीजर्स ऑन मैनिक्विन्स एंड रोबोट्स, सो दैट आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जब आप क्लिनिक में जाए तो आप घबराएं नहीं और पेशेंट से आप अच्छे से बात कर सके और जो भी आपको प्रोसीजर्स करने हैं वो आप कॉन्फिडेंटली कर सके. तो उसके लिए पहले आपकी सारी ट्रेनिंग वो दी जाती है आपको मैनिक्विन्स के ऊपर, एंड देन यू गो टू द पेशेंट्स. और इसके अलावा पूछते हैं लोग कि एनाटॉमी में वहां पे डेड बॉडीज मिलती हैं, कैडेवर्स मिलते हैं, ये वो. तो यस, डेड बॉडीज, ऑर्गन सिस्टम्स, कैडेवर्स, बोन्स, सब कुछ वहां पे अवेलेबल रहता है व्हेन यू आर गोइंग इन दोज डिपार्टमेंट्स. एनाटॉमी में जाते तो एनाटॉमी में, हिस्टोलॉजी में जाते तो वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह सारी अवेलेबल रहती हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ प्रोसीजर्स एनिमल्स के ऊपर भी करने होते हैं, कुछ ऑपरेशंस आपको एनिमल्स के ऊपर करने होते हैं, तो वो सब फैसिलिटीज भी वहाँ पे हैं. पैथोलॉजिकल एनाटॉमी आप पढ़ते हैं,
तो उसके अंदर आपको सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेपरेशंस वहाँ पे सब कुछ तैयार रहता है, सो दैट यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स। तो प्रैक्टिकल्स के मामले में, या जैसे आपके जो एक कंसर्न रहते हैं लोगों के कैडेवर्स मिलेंगे, डेड बॉडीज मिलेंगे, तो यस आपकी जो सारी पढ़ाई है वो उनके ऊपर ही होगी। ये जो हम मैनिकेन्स की बात कर रहे हैं, ये आपको जो लाइव पेशेंट्स के ऊपर प्रोसीजर्स करने होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो इन सिमुलेशन सेंटर्स के अंदर दी जाती है। अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं बीच में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज यूज द चैट बॉक्स एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। ठीक है, ऑल द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स आर इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स, बायोकेमिकल लेबोरेटरीज, रेडियो आइसोटोप्स लैब्स एंड लेक्चर हॉल्स विच आर इक्विप्ड विद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। सो आपके सारे जो भी टीचिंग सिस्टम जो है वो मतलब विद गुड टेक्नोलॉजी एंड ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल रिगार्डिंग रिसर्च वर्क विच इज हेल्पफुल फॉर यू टू स्टडी एंड बिकम अ गुड डॉक्टर। वी हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन सेवरल टीचिंग हॉस्पिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर योर सेकेंड और थर्ड ईयर वेन योर क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट, सो यू स्टार्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल्स फॉर योर ट्रेनिंग। सो मेनी ऑफ आर डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन द हॉस्पिटल्स जहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ पेशेंट्स दिखाए जाते हैं and you study those diseases on those particular patients, seeing the symptoms and everything. ठीक है, and we have a separate dental clinic also with more than 350 dental chairs in use. So यहाँ photograph में आप देख सकते हैं कि microscopes वगैरह, और ये dental hospital की एक photo है, and this is a photo of Oblastnaya Klinicheskaya Bolnitsa. This is a regional hospital of Tver region. उसकी एक building की photo. So university has various international relations, like we have tie-ups with various universities of Europe, America, South America. So international tie-ups से क्या होता है कि जो भी उन universities के अंदर अगर कोई अच्छे research works चल रहे हैं तो उसकी information हमारे पास आती है और बच्चों को बताई जाती है। Student exchange programs होते हैं where students from those universities they come to our university, and students from Tver State Medical University if selected get to travel for short term कोर्सेज इन दोज यूनिवर्सिटीज। तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, राइट? तो यूनिवर्सिटी हैज टाई अप्स विद यूनिवर्सिटी ऑफ सार ऑफ जर्मनी, बॉस्टन मेडिकल, बॉस्टन यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी के साथ जो कि यूएस में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ सियना इन इटली, लवलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पोलैंड एंड मेनी अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब ये पढ़ाई के बाद आपको 6 साल के लिए एक यूनिवर्सिटी में एक जगह पे जाना है जो फॉरेन कंट्री है आपके लिए, एंड यू डोंट नो अबाउट द प्लेस, सो यू हैव टू फील कंफर्टेबल व्हाइल स्टेइंग देयर। ठीक है, कई लोग होम सिक फील करते हैं, तो उनके लिए देर आर वेरियस, लाइक स्टूडेंट लाइफ शुड बी हैपनिंग, शुड बी कूल, शुड बी इंजॉयबल। तो आपको मतलब वहां रहने में मजा आना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए और रहना भी कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए वी हैव वेरियस कल्चरल सेंटर्स इन द यूनिवर्सिटी, वी हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टेकिंग पार्ट इन टेकिंग लाइक प्लेस इन द यूनिवर्सिटी, सो वी डिस्कस अबाउट दैट। सो वी हैव वेरियस कल्चरल सेंटर्स जहाँ पे एक इंडियन कल्चरल सेंटर भी है, सो स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज विच आर ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन कल्चरल सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स के लिए देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए वहाँ पे एक एनुअल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पेशली क्योंकि रशिया में नहीं खेला जाता क्रिकेट, तो वो यूनिवर्सिटी स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की बैडमिंटन टीम के अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, किसी भी टेबल टेनिस में हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इंडिया के बच्चे हैं जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है on various levels including on national and international levels. इसलिए स्पोर्ट्स के लिए सभी तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। इफ यू आर इंक्लाइंड इनटू प्लेइंग और इनटू लाइक यू हैव इंटरेस्ट इन एनी स्पोर्ट्स, यू कैन कंटिन्यू विद योर इंटरेस्ट व्हाइल स्टडिंग एमबीबीएस इन Tver State मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर वी सेलिब्रेट ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, सभी फेस्टिवल्स वहाँ पोंगल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो या बाहर कोई स्पेशल जगह लेके हो। इसके अलावा एनुअल कल्चरल प्रोग्राम भी सेलिब्रेट किया जाता है
जहाँ पे वेरियस वीआईपीज़ नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम रशियन आल्सो दे टेक पार्ट एंड दे सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स विद ग्रेट एंथुसियाज्म. इसके अलावा मतलब वहाँ पे जो कल्चरल डांस ग्रुप्स हैं फ्रॉम एम्बेसी आल्सो टेक पार्ट इन वेरियस फेस्टिवल्स. स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी स्टाफ ऑफ Tver State Medical University along with the guests from the city celebrate festival of Diwali every year jahan pe students perform karte hain folk dances apne apni states ka culture ya india ke alag alag regions ka kuch culture wahan pe show kiya jata hai. You can even see the ki russia ke kuch log dance groups jo indian gaano pe dance karte hain ki itna rush india ka jo culture hai wahan pe itna zyada hai uska impact hai ki people learn indian dances. वहाँ पे स्पेशल ग्रुप्स हैं जैसे अमरपाली ग्रुप का एक फोटो मैंने यहाँ पे रखा है कि दोज दीज आर द रशियन गर्ल्स आर परफॉर्मिंग ऑन इंडियन डांसर्स. तो वहाँ पे इतना ज्यादा इंडियन कल्चर का वहाँ पे क्रेज है. इसके अलावा हमारा कंसर्न रहता है कि हमें खाना कैसे वहाँ पे मिलेगा. हम लोग इंडियन खाना खाते हैं, हमारा जो खाने की अलग एक स्पेसिफिसिटी होती है स्पाइसीज एंड ऑल, सो वो खाना कैसे. तो यू हैव इंडियन मेस इन द होस्टल्स जहाँ आपको इंडियन खाना वेज नॉन वेज प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा इफ यू वॉन्ट टू कुक योर ओन फूड, कई लोग कहते हैं कि आई विल सेल्फ कुक, तो आपको अगर खाना अपना खुद से बनाना है तो उसके लिए सारी वहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स सुपर मार्केट्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है. जैसे नॉर्मल जो आलू गोभी कैबेज बीन्स कैरेट्स कुकुम्बर सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स नॉन वेज तो नॉन वेजिटेरियन भी वहाँ पे मीट फिश चिकन एग सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है लोकल मार्केट्स के अंदर. हॉस्टल लाइफ, देयर आर फोर यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, टू ऑफ देम आर फ्लैट टाइप दैट इज विद अटैच्ड बाथरूम टॉयलेट एंड किचन. हॉस्टल्स जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी में कैसे आप रहेंगे, तो हॉस्टल्स जो है वो सेंट्रली हीटेड रहते हैं, ठीक है, एंड फुली फर्निश्ड रहते हैं. फुली फर्निश्ड का मतलब है कि आपको बेड सारी बेडिंग्स साइड टेबल टेबल चेयर बुकशेल्फ ये सब चीजें अवेलेबल रहती हैं हॉस्टल्स के अंदर. जो ये फ्लैट टाइप हॉस्टल है इसमें किचन रहती है, किचन के अंदर आपकी कुकिंग रेंज रहती है, वॉशरूम्स जहाँ पे अटैच्ड है वहाँ पे वॉशरूम्स के अंदर बाथ टब्स लगे हुए हैं, ठीक है. सो फुली फर्निश्ड हॉस्टल्स आपको मिलते हैं, पूरी बेडिंग्स आपको मिलती हैं, फिर चाहे मेट्रेस मेट्रेस कवर पिल्लो कंबल आपका हो गया उसका कवर हो गया बेडशीट हो गई, सो ये सब बेडिंग्स आपको प्रोवाइड होती हैं. इसमें से आपकी बेडशीट पिल्लो कवर एंड योर ब्लैंकेट कवर इज बीइंग चेंज्ड वंस एवरी वीक, तो आप उनको चेंज करवा सकते हैं, साथ में खुद से धोने की जरूरत नहीं पड़ती है उन चीज़ों को. बेड लिनन इज चेंज्ड वंस अ वीक एंड हॉस्टल इज क्लीन्ड एवरी डे. सेपरेट अरेंजमेंट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यस ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, बट यहाँ पे देखिए रशिया में सेपरेट हॉस्टल्स नहीं रहते हैं कि बॉयज का अलग हॉस्टल गर्ल्स का अलग हॉस्टल, सो यू ऑल स्टे टुगेदर इन अ हॉस्टल. बट यस वी हैव मेड सेपरेट अरेंजमेंट्स कि एक फ्लोर पूरा लड़कियों के लिए हो गया, बाकी जो है वो लड़कों के लिए, उनके लिए अलग से वॉशरूम्स हैं अलग से टॉयलेट्स हैं, तो एक सेपरेट अरेंजमेंट्स हम लोगों ने उनके लिए किए हैं कीपिंग इन व्यू कि हम लोगों को अलग अलग उनको रखना होता है इस तरह से. हॉस्टल्स के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज हैं एंड सिक्योरिटी का मेन कंसर्न रहता है, राइट, कि वहाँ पे सिक्योर हैं लोग के नहीं सेफ्टी को लेके. सो यस ऑल द हॉस्टल्स आर वेल गार्डेड विद पुलिस सिक्योरिटी. 24/7 सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस वहाँ पे रहता है. हॉस्टल्स के अंदर भी सीसीटीवी कैमराज हैं और हॉस्टल के बाहर भी सीसीटीवी कैमराज हैं. हर एक हॉस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम रहता है जिसमें आपके पास एक ना आपके कार्ड्स इशू हो जाते हैं. सो यू आर इशूड स्टूडेंट कार्ड या हॉस्टल कार्ड, सो यू जस्ट पंच दोस कार्ड्स एंड देन द गेट्स ओपन एंड यू गो इनसाइड. तो हॉस्टल्स में कोई भी आउटसाइडर दे कैन नॉट एंटर योर हॉस्टल विदाउट परमिशन ऑफ द हॉस्टल अथॉरिटीज, ठीक है. प्लस देर आर फिक्स टाइमिंग्स दैट यू कैन नॉट लीव द हॉस्टल आफ्टर 10 PM एंड इफ यू आर कमिंग लेट यू हैव टू राइट एन एक्सप्लेनेशन एंड यू उसकी कंप्लेंट भी हो जाती है डीन ऑफिस के अंदर. सो ऑल दीज टाइमिंग्स are strictly maintained just for the sake of your safety. तो देखिए कि इंडियन स्टूडेंट्स दो हॉस्टल्स के अंदर वहाँ पे मेजरली रहते हैं. एक है हॉस्टल नंबर 2 which is a common hostel which is a corridor type hostel with common washing areas, common toilets, common washrooms and kitchens. तो इस तरह से जैसे आप लोगों ने शायद देखा होगा इंडिया में भी जैसे ऐसे फ्लोर टाइप सॉरी कॉरिडोर टाइप हॉस्टल्स होते हैं कि देर आर रूम्स एंड देर आर कॉमन किचन ऑन द फ्लोर, टू किचन्स हैं,
इन द एंड देर आर टॉयलेट्स एंड सिंक्स एंड ग्राउंड फ्लोर पे वहां वॉशरूम्स है, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉरिडोर टाइप हॉस्टल है। सो आई वॉन्टेड टू बी लाइक आपको एग्जैक्टली शो करना चाहता था कि कहाँ पे लोकेटेड है। सो हॉस्टल नंबर टू इज लोकेटेड वेरी नियर टू द यूनिवर्सिटी, समवेयर अराउंड अ किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वॉकिंग डिस्टेंस। ये रिवर वोल्गा है जो हमने पहले डिस्कस किया है। सो यू कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय वॉक, यू जस्ट क्रॉस द रिवर एंड यू रीच द हॉस्टल, ठीक है। तो हॉस्टल नंबर टू इज वेरी नियर टू द यूनिवर्सिटी कैंपस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है यहाँ पे, ठीक है। ये गूगल पे भी आप कभी भी देख सकते हैं। सो इट इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम गूगल ओनली। ये हॉस्टल नंबर टू की बिल्डिंग, इट्स अ फाइव फ्लोर बिल्डिंग, फोर फ्लोर्स पे स्टूडेंट्स रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे यू हैव कॉमन रीडिंग रूम, कॉमन जिमनेजियम, वॉशरूम्स, वॉशिंग एरिया, तो इस तरह के कॉमन रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन के रूम्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। दिस इज द किचन, इसमें कुकिंग रेंज रहती है, टेबल्स लगे रहते हैं, इस तरह डस्टबिन होते हैं एंड वॉश बेसिन यहाँ पे लगे हैं, तो स्टूडेंट्स कैन कुक द फूड हियर। दिस इज अ कॉरिडोर एंड दिस काइंड ऑफ हॉस्टल रूम जहाँ पे आपको बेड्स दिए जाते हैं, साइड टेबल्स, टेबल्स, फिर आपके बुक शेल्फ्स हैं, कर्टन्स अवेलेबल हैं, तो आपका जो हॉस्टल जो है वो फुली फर्निश्ड आपको रूम्स मिलते हैं। सिक्योरिटी इन हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ पे आप कार्ड पंच करते हैं तभी ये गेट्स खुलते हैं। नोबडी फ्रॉम आउटसाइड कैन एंटर द हॉस्टल। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक एंट्री सिस्टम एंड एग्जिट सिस्टम एंड द सिक्योरिटी कैमराज इन साइड द हॉस्टल, वो सभी फ्लोर्स पे हर जगह पे अवेलेबल हैं, सभी जगह लगे हैं फॉर कंप्लीट मॉनिटरिंग। प्लस फायर सेफ्टी सिस्टम्स भी लगे हैं हर जगह पे। So in case of any fire, so these alarms will ring and you know when to go get out of the hostel. ठीक है, इस तरह से सेफ्टी के लिए सभी चीजें हॉस्टल के अंदर हैं टू एंश्योर दैट यू लिव इन अ सेफ एनवायरमेंट। हॉस्टल नंबर थ्री, दिस इज द सेकंड जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। दीज आर द फ्लैट टाइप हॉस्टल। फ्लैट टाइप हॉस्टल में क्या है कि जैसे वहाँ पे टू रूम्स या फिर वन रूम फ्लैट्स है, तो उसमें एक बड़ा रूम है, एक छोटा रूम है, अटैच्ड बालकनी है, किचन, टॉयलेट एंड अ वॉशरूम। इसमें पांच लोग रहते हैं टू रूम वाले फ्लैट के अंदर। एक है वन रूम फ्लैट जिसमें एक बड़ा रूम है, साथ में किचन, टॉयलेट और वॉशरूम है, और इसमें तीन लोग रहते हैं, उनका ये प्राइवेट किचन, टॉयलेट और वॉशरूम है, साथ में बालकनी है रूम के, राइट। सो दिस इज अ फ्लैट टाइप हॉस्टल। ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से दूर है, इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स टू रीच दिस हॉस्टल फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स इन अ कार और इन अ कैब, ओके। सो दिस इज अ बिल्डिंग, दो बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल की, नौ फ्लोर की ये बिल्डिंग्स हैं विद अ लिफ्ट। दीज आर द कॉरिडोर्स, ये अलग अलग फ्लैट्स हैं सभी इस बिल्डिंग में। दिस इज द रिसेप्शन एरिया ऑफ द हॉस्टल, अगेन द बिल्डिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन आल्सो, ठीक है। देयर इज वन मोर प्राइवेट हॉस्टल व्हिच इज मैनेज्ड बाय रूस एजुकेशन व्हिच इज लोकेटेड जस्ट ऑपोजिट टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के एकदम सामने है ये हॉस्टल, सेंट्रल होटल था, इसको हॉस्टल बना दिया गया है। सो इफ यू वांट यू कैन स्टे इन दीज रूम्स आल्सो। अब लोग पूछते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, यू अप्लाई, गेट रजिस्टर्ड, यू गेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन कंफर्मेशन लेटर आता है आपका, यू सबमिट योर पासपोर्ट, यू गेट अ वीजा इन्विटेशन लेटर, बाद में आपके पासपोर्ट के अंदर वीजा स्टैम्प होता है एंड वी मेक योर ट्रेवल अरेंजमेंट्स एंड यू गो फॉर योर MBBS टू रशिया। दिस इज इन केस जब नॉर्मल थी सब चीजें, राइट। लेकिन अभी कोविड के चक्कर में जब तक इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं तब तक आपका अभी ये वीजा का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन यू विल गेट योर सेल्फ एडमिशन, यू विल बी कंफर्म्ड, ऑनलाइन क्लासेस विल स्टार्ट एंड वंस द ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड देन विल प्रोसेस योर वीजा एंड इट विल बी स्टैम्प्ड इन योर पासपोर्ट एंड यू विल फ्लाई टू रशिया टू कंटिन्यू विद द फिजिकल क्लासेस। तब तक आपका जो है सारा का सारा चलेगा, आपका ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। हमारे वहां पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आपको फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं, दे टेक यू टू द हॉस्टल्स, वहां पे आपको रूम्स प्रोवाइड की जाते हैं, बेडिंग्स अलॉट की जाती हैं, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है ताकि आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, सो दैट यू कैन इन्फॉर्म देम दैट यू हैव रीच्ड सेफली। ऑल द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, be it the police registration, be it the university documentation, hostel documentation, कुछ भी जो भी documentation है उसमें सारे में help की जाती है आपकी। Your medical checkup is being assisted and medical insurance वगैरह आपकी बनानी होती है, वो सब कुछ, आपको अब SIM card लेना है। So whatever you require, we have our student representatives
who help you when you reach the university for the very first time. Eligibility criteria. So yes, थोड़े दिन पहले तक eligibility criteria था कि you have to clear your NEET, you have to qualify your NEET. And what do I mean by qualifying NEET? That you have to score 50th percentile in your NEET exam, not 50%, but 50th percentile and 40th percentile in case of reserved categories. And you should have 50% marks again in your physics, chemistry, biology in 12th class and 40% in case of reserved candidates. But as per the latest guidelines, latest notification from High Court, students who have not qualified NEET exam can also travel. But yes, condition kya hai ki that you have to qualify your NEET exam in next year. ठीक है, अगर आप NEET exam इस बार आप qualify नहीं कर सकते हैं तो आप अपना एक साल बचा सकते हैं. You can travel there. अगर किसी भी reason से, suppose इस बार काफी ज्यादा pressure था बच्चों के ऊपर COVID को लेके, NEET कितनी बार इसको हमने पोस्टपोन किया और लास्ट में एक डेट आ गई और बहुत कम टाइम बचा था आपके पास तैयारी करने के लिए. सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिस वजह से आप अपना एग्जाम या तो क्वालिफाई नहीं कर पाए या दे नहीं पाए. सो यू कैन कंफर्म योर एडमिशन, यू कैन गो देयर, बट यू हैव टू क्वालिफाई योर नीट एग्जाम इन कमिंग ईयर इन 2021. ओके, वट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स? नो रॉकेट साइंस, जस्ट योर 10th एंड 12th मार्कशीट, योर पासपोर्ट इफ यू हैव, and rest everything will do. But again, photography aap karwani padegi aur ek medical checkup chahiye hota hai, but that is at the time of the visa. Starting mein you just have to give us your documents, 10th and 12th class ke documents aapko dene hain, and rest all you don't worry, we will be there to help you in confirming your admission. Thank you, and now I'll take all the questions if you have. I will just see the question box. So there was one question about girl safety or safety issues, so I think I have taken those questions, right? अगर अभी भी आपको कुछ रहता है इसमें issue कि what is about the girl safety, तो you can again ask me. After graduating from Russia and passing the FMG, are we eligible for general seats for MD? So I have informed you. I do not have the passport, so if you don't have your passport, you don't have to worry about it. You can confirm your admission right now. And once the travel restrictions are over and we have to process your visa, then we will also help you in applying for your passport. हम लोग आपको guide करते हैं किस तरह से आपको passport apply करना है, and you can apply the passport accordingly. हम आपको पूरा guide करेंगे, but just you have to go for your this thing. Personal आपका एक interview होता है वहाँ पे, वहाँ जाके आपको photo वगैरह करवानी होती है, अपने fingerprints देने होते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं. Fees के लिए पूछ रहे हैं, so fees is somewhere around मैं आपको एग्जैक्ट इन रुपीज आई कैलकुलेट समवेयर अराउंड 20 lakhs फॉर द कंप्लीट 6 year कोर्स, 20 lakhs फॉर कंप्लीट 6 year कोर्स, और खाने पीने का अगर हम मिलाएं साथ में एक्स्ट्रा, सो टोटल कोर्स विल बी समवेयर अराउंड 26 to 27 lakhs, जिसमें आपकी सारी MBBS खत्म हो जाएगी. ठीक है सर, MCS NEET exemption is valid today also or was it till 13 September only? I know we have to clear 2021. Mohammad Yusuf पूछ रहे हैं, so MCI ने ऐसा कोई last date नहीं दी है उसके अंदर. They have told that all the candidates who want to go to abroad for their admissions in MBBS, they can go, but they have to clear it in 2021. उसमें कोई ऐसी last date नहीं दी है, right? So fee structure, again I have told you that the fees is somewhere around 20 lakhs. For information, for detailed information, आप हमारे student helpline number 1800 833 3338 पे call कर सकते हैं, and we will give you all the information. Sir, NIOS students eligible हैं? अगर आप eligible हैं NEET exam देने के लिए, right? NEET exam देने के लिए अगर आप eligible हैं, आप NEET exam appear कर चुके हैं, then you are also eligible to go abroad. तो ऐसा जिसमें अगर आप NEET दे रहे हैं NIOS से है या किसी भी बोर्ड से है, then you can also go to Russia to Tverset Medical University. So how much money we have to invest? Sir, अब total खर्चा जो है 27-28 लाख का minimum मान के चलिए कि इतने खर्चे में आपकी पूरी MBBS लेकिन हो जाएगी. This I'm telling you including the cost of your food, your travel, your this thing, everything. Sir, can I study BHMS? We do not provide you BHMS in
रशियन यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथी का कोर्स है, आप इंडिया में रह के कर सकते हैं, बट वाई कॉम्प्रोमाइज ऑन योर करियर वेन यू हैव अ गुड ऑप्शन ऑफ स्टडिंग MBBS, राइट? लोग कहते हैं हम BSc कर लेंगे, BHMS कर लेंगे, या आयुर्वेदा कर लेंगे, या डेंटल भी कर लेंगे. सो आई से व्हेन यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग MBBS, अगर आप डॉक्टर बनने के लिए आपके पास इतना अच्छा एक ऑप्शन है, सो व्हाई नॉट. फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी इंडिया. अगर आपका इंडिया में दैट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. कई लोग पूछते हैं सर मेरा इंडिया में हो रहा है फिर भी मैं रशिया जाऊं, तो आई नेवर सजेस्ट देम टू ऑप्ट फॉर रशिया. रशिया इज जस्ट एन ऑप्शन. ऑप्शन है, क्या बोलते हैं इसको, अगर आपका इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा है तभी तभी आप जाइए. सर BHMS में हम सब डॉक्टर मिल सकते हैं, बन सकते हैं, ये. लेकिन अब मैं आपको कैसे बताऊं, आप बोलिए कि यहाँ पे आप यमुना किनारे जाके और गोवा वाली फील ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना. तो इसलिए MBBS इज नेवर इक्वल टू BHMS एंड विल नेवर बी इक्वल टू BHMS, राइट? सो गोवा वाली फील लो, डॉक्टर बनो, पूरे वाले डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं होता. ऑल डॉक्टर्स आर सेम, ऐसा नहीं होता, राइट? इसमें काफी सारी आपकी लिमिटेशंस होती हैं, काफी चीजें होती हैं कि आई डोंट नो, मुझे शायद आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. MBBS इज अ डिफरेंट थिंग, इज अ डिफरेंट लेवल. BHMS इज अ डिफरेंट थिंग, इज अ डिफरेंट. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है और वो मतलब अच्छा है. हर किसी का अपना एक शौक होता है. आपने अगर अपना प्लस टू में मेडिकल लिया था BHMS करने के लिए, देन यू गो फॉर BHMS. अगर आपने प्लस टू के अंदर अपना टेंथ के बाद आपने मेडिकल लिया था MBBS करने के लिए, और अब क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप BHMS करना चाहते हैं, सो देन यू शुड गो फॉर MBBS, देन डोंट थिंक ऑफ BHMS, राइट? बाकी आपकी पर्सनल, आपकी उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, प्रेफरेंसेस के ऊपर है. इफ यू वॉन्ट यू गो फॉर BHMS, इफ यू डोंट वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकम MBBS डॉक्टर, देन रशिया इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विच इज अवेलेबल एट द मोमेंट. ठीक है, इंदु जी पूछ रहे हैं फॉर PG. इंदु कैन यू प्लीज बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग PG. मिस्टर राम सकल सिंह पूछ रहे हैं हाउ कैन आई चूज अ बेटर यूनिवर्सिटी और अ बेस्ट यूनिवर्सिटी. देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, नंबर वन. ठीक है, मेरे ख्याल से रशिया में ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है एंड दे फॉलो ऑलमोस्ट द सेम करिकुलम, जो भी सेम स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री से दिए जाते हैं, क्योंकि ऑल द यूनिवर्सिटीज कम डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मेडिकल यूनिवर्सिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट. सेकेंडली आपको देखना होता है कि आपकी डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो आफ्टर कंप्लीशन यू कैन गो टू नॉट ओनली फॉर इंडिया. MCI में सिर्फ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप सपोज अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, 10 साल बाद आपका मन किया कि यू हैव टू गो टू US फॉर योर प्रैक्टिस, you have to go to Australia, तो आपकी डिग्री जो है वो वैलिड होनी चाहिए. सो यू हैव टू चेक योर यूनिवर्सिटीज लिस्टेड विद WHO, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में होनी चाहिए, ECFMG से सर्टिफाइड होनी चाहिए, सो दैट इफ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, US, न्यूजीलैंड, कैनेडा, UK, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपकी डिग्री जो है वो वहाँ पे वैलिड हो. ठीक है, उसके बाद पढ़ाई ऑलमोस्ट सब जगह सेम है, क्योंकि मैंने बताया सेम करिकुलम फॉलो करते हैं सब लोग. उसके बाद आपको देखना है कि इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं और उनके लिए क्या ऐसी स्पेशल सर्विसेज हैं, MCI कोचिंग है कि नहीं है. आपको आके तो एग्जाम देना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको वो चीज़ देखनी है. इंडियन आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, आपको टेक केयर करने के लिए वहाँ पे लोग हैं या नहीं. आजकल क्या होता है कि आप मतलब लोग थर्ड पार्टी एजेंट्स से आप एडमिशन लेते हैं, जो डायरेक्टली फिर उनका यूनिवर्सिटी में कोई रोल नहीं रहता. तो इसलिए यू अप्रोच रूस एजुकेशन, हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे अप्रोच रहता है एंड वी टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन. आप लोगों का हम ध्यान रखते हैं पूरे 6 साल के लिए, टिल द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. इवन आफ्टर दैट अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम, रिगार्डिंग PG एप्लीकेशन, रिगार्डिंग योर जॉब हियर, इंटर्नशिप हियर, सो वो सब चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है, सो बेस्ट यूनिवर्सिटी आप इसी तरह से चूज कर सकते हैं. Am I eligible to take education loan? बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि लोन ले सकते हैं कि नहीं.
सो लोन आप डेफिनेटली ले सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से चाहिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहिए, वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा बैंक के एक स्पेसिफिक लिस्ट होती है, हर एक बैंक का अपना एक फंडा होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये लैंड होना चाहिए, कोलेटरल्स के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में इतने, कुछ हर एक बैंक का अपना एक मतलब उनके एक क्राइटेरिया होता है, राइट। सो हम आपको गाइडेंस दे देंगे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमारी तरफ से आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे एंड बैंक लोन हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट बैंक लोन के ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं। फीस के बारे में बता दिया, सो व्हाट इज द फी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर योर एप्लीकेशन। आपको जो भी डिटेल चाहिए अप्लाई करने के लिए, आप प्लीज एक नंबर नोट कर लीजिए, 1-800-833-3338, ठीक है। यू कॉल ऑन आर स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, या अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको या मेरे काउंसलर्स आपको अभी डायरेक्टली अभी कॉल किए, तो आप प्लीज चैट बॉक्स के अंदर या क्वेश्चन आंसर्स वाले सेक्शन के अंदर आप प्लीज अपना फोन नंबर लिख दीजिए, एंड हम आपको अभी इस सेमिनार के बाद, इस वेबिनार के बाद हम लोग आपको कॉल करवा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आपने अपना नीट का एग्जाम दे दिया है, राइट। सो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, कि आपका रिजल्ट्स आने वाला होगा अभी, है ना। और मिस्टर चंद्रिका जी का नंबर भी मेरे पास आ गया है। ओके मैम, आई हैव टेकन योर नंबर एंड वी विल गिव यू अ कॉल आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी, नहीं तो तब जब तक हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, यू कैन कंफर्म योर एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल। व्हाट्सएप भी हम अवेलेबल करवा देंगे आपके लिए, आपको हम व्हाट्सएप पे, मिस्टर एनपी, आपको हम लोग व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज देंगे एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ओके। सो ऑल द कैंडिडेट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर्ड। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 1-800-833-3338 एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। हमें पास और के क्वेश्चंस यहाँ पे है नहीं स्टूडेंट्स के। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट रिजल्ट्स एंड सी यू सून। यू आर ऑल वेलकम टू रशिया, वेलकम टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया। Rus Education is always there to help you in any possible way that you require. So, thank you for joining. See you all next time. Till then, take care, stay safe, be happy, and keep smiling. Bye bye. Take care.